तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल स्टाम्प विद पोरासर में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है थोड़ा लेट होने वाला है, क्योंकि आज से जो अपडेट है टीम इंडिया के तरफ से जो न्यूज आई है, जो अपडेट है वो ही आपको दूंगा। लेकिन आज का जो वीडियो है वो थोड़ा मुझे लेट हो गया, क्योंकि मेरा पड़ा था थोड़ा, मैं क्लास में गया था, कोचिंग सेंटर में गया था, उसे आने के बाद थोड़ा लेट हो गया। और जो जो न्यूज निकल आया था उसमें मैं और भी थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन और क्या न्यूज आता है, अब बहुत सारे न्यूज अब आज आई थी, मैं इसीलिए आज रात 11 बजे अब मैं शूट कर रहा हूँ। तो पहले शुरू करते हैं, जो जो बड़ा खबर है वो है, जो बड़ी न्यूज है वो है इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का जो T20 सीरीज है, उसमें इंडिया का जो स्क्वाड है वो घोषित किया गया है। मैं पहले से बोल रहा था कि रोहित को खेलना चाहिए अगर वो कैप्टन होता है, रोहित को कैप्टन बना दिया गया है। T20 में रोहित अब से कप्तानी करते हुए दिखेंगे और न्यूजीलैंड के सीरीज में ही रोहित शर्मा कैप्टनसी करेंगे। तो अगर देखें, अगर जो स्क्वाड है, स्क्वाड में रोहित शर्मा कैप्टन है, T20 का जो स्क्वाड में बॉल आउट रोहित शर्मा कैप्टन है, KL राहुल को वाइस कैप्टन किया गया है, इसके ऊपर बात मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड को इस टीम का स्क्वाड का हिस्सा किया गया है। श्रेयस अय्यर है, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, तीनों, अगर आप देखें तीन विकेट कीपर लिया गया है, तीन, वेंकटेश अय्यर को लिया गया है, युजवेंद्र चहल को लिया गया है, आर अश्विन है, अक्षर पटेल है, भुवनेश्वर कुमार को लिया गया है, हर्षल पटेल को लिया गया है, दीपक चहार और मोहम्मद सिराज को लिया गया है। तो ये जो है, जो स्क्वाड है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, वो स्क्वाड घोषित किया गया है। तो वो जो स्क्वाड है, ये जो स्क्वाड की हम बात कर रहे हैं, तो यही है वो स्क्वाड। तो अगर फिर और एक बार बोलना चाहूँ तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जो खेल होगा रोहित शर्मा, इन्होंने पहले तो हम जानते थे, मुझे लग रहा था उन्होंने भी रेस्ट करेंगे, लेकिन रेस्ट उन्होंने किया नहीं। और अगर बात करें तो रोहित शर्मा के साथ वहाँ पे KL राहुल यहाँ पे मुझे लग रहा था कैप्टन कर रहेंगे उनको, जो बात कह रहे थे बाकी सारे लोग, तो ये गलत निकली, KL राहुल को वाइस कैप्टन किया गया। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड और श्रेयस अय्यर को मौका मिला, ये अच्छा है, खिलाना भी चाहिए, इन दोनों को खिलाना भी चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है IPL में, अच्छे तरीके से खेलते भी है। उसके बाद ऋषभ पंत, ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर का रोल मैं देखने से, तो उन्होंने मिडिल ओवर्स में तो रन बनाए नहीं है, ओपनर होके ही उतना अच्छा, बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छा रन भी बनाए हैं ओपनर होके, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते बहुत अच्छा कुछ जो है रन तभी बनाए हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स में उतना अच्छा किया नहीं। वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी कर सकता है, देखना पड़ेगा कैसा होता है। जो 3 महीने हुए, जयपुर में एक खेल होगा, रांची में एक खेल होगा, और एक जो खेल होने वाला है वो है कलकत्ता में, तो देखना पड़ेगा। अगर हम देखें जयपुर के बाद, रांची के बाद, तो इन दोनों जगहों में हम अगर देखें तो ड्यू का फैक्टर रहेगा, तो ये पे टॉस जीतना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठंड में खेल होगा, ये तो आप जानते हैं, इंडिया में थोड़ा सा ठंड पड़ना शुरू हो गया है, तो ठंड में खेल होगा, विंटर सीजन आ चुकी है इंडिया में, तो देखना पड़ेगा कैसा ये खेल चलता है। और ये जो टीम है अच्छा टीम है, इसके बाद के साल जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें देखना पड़ेगा, कोहली को लेकर एक न्यूज है, विराट कोहली तो कैप्टनसी छोड़ दिए, ये तो बात है, लेकिन उन्होंने कहा है कि T20 उन्होंने खेलेंगे, लेकिन टेस्ट मैच जो पहला टेस्ट है उस दिन तक विराट कोहली रेस्ट करेंगे। तो पहला टेस्ट कौन कैप्टनसी करेगा, आपको लगता है क्या, रहाने नहीं, रोहित को ही कैप्टनसी किया गया है, कैप्टनिंग करेंगे रोहित ही कैप्टनसी करेंगे जो पहला टेस्ट होगा उसका, उसके बाद में जो सेकेंड टेस्ट है उस टेस्ट में कोहली खेलेंगे। तो उसमें अजिंक्य रहाणे को वाइस कैप्टन ही किया गया है, अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी नहीं करेंगे पहला टेस्ट में, तो ये देखने पड़ेगा रोहित एज अ टेस्ट कैप्टन कैसा खेलते हैं, कैसे जाते हैं। तो इंडिया के टेस्ट में बहुत ही अच्छा है, तो उस वहां पे बुमराह शमी इनको जगह मिलेगी, जडेजा भी खेलेंगे, अश्विन तो खेल रहे ही, और यहाँ पे बुमराह शमी, वहां पे अगर जडेजा की बात करें, उन सबको रेस दिया गया है। मुझे लग रहा था राहुल चहर को खिलाना चाहिए था, लेकिन राहुल चहर को उन्होंने खिलाया नहीं, सिर्फ एक मैच खिला के उनको ऐसा कर दिए, तो कैसा होगा, ऐसे चलेगा नहीं, राहुल चहर को खिलाना चाहिए था। तो ठीक है, युजवेंद्र चहल आए, उनका स्पिन का थोड़ा देखना पड़ेगा कैसा स्पिन हो रहा है, और उन्होंने तो अच्छा बॉलर है ही, T20 स्पेशलिस्ट बॉलर है, बैट्समैन भी बहुत अच्छा है, तीन विकेट कीपर का हम अगर यहाँ पे देख रहे थे, हर्षल पटेल, पर्पल पटेल थे T20 में, उनका जो जलवा यहाँ पे दिखेगा या नहीं दिखेगा या नहीं, ये भी देखने का बात है। हर्षल पटेल को मुझे लगता है ये भी विकेट चटकेगा, क्योंकि उनका स्लोअर बॉल बहुत इफेक्टिव होता है। तो और अगर देखें मोहम्मद सिराज, इनका जो तेज तरार यॉर्कर बहुत अच्छा होता है, उनका गेंद का लाइन और लेंथ भी बहुत अच्छा है, तो अगर देखें तो यही है। आवेश खान का जो गति है
वो थोड़ा देखना पड़ेगा कैसा उनका बॉल बिहेव करता है, न्यूजीलैंडियों को कैसे परेशान करता है, ये भी थोड़ा देखने का बात है। तो ओवरऑल टीम बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोहली को इसके बाद जगह मिलेगी T20 में। ये बात मैं बोलूं, कोहली को तो जगह मिलना चाहिए क्योंकि वो एज अ प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर आप देखें जो कठिन परिस्थिति जब रन नहीं बनाते उनका, अगर देखे एवरेज 52 का है, उन्होंने रन 140 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने भी रन बनाए हैं फास्ट टर्म में। अगर आप देखें कि बड़े बड़े हिटे बहुत सारे चौका मारे, बहुत से छक्के भी, मतलब 2016 पे देख लो कितना सारे हाईस्ट सिक्सेस थे उनका IPL में। तो ऐसा करने से नहीं होगा कि उन्होंने छक्का नहीं मारते चौका, अरे जब सिचुएशन के ऊपर निर्भर करके उन्होंने खेलते हैं। मुझे लगता है कोहली खेलेंगे इसके बाद जो वर्ल्ड कप है उसमें भी खेलेंगे। तो अब देखना पड़ेगा इंडिया टीम के जो सिचुएशन, BCCI क्या डिसीजन लेता है, कोहली कैसे, अगर उनको एक भी T20 में अगर हम देखते हैं या नहीं, ये भी देखने का विषय है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे T20 में वो खेलते नहीं। अगर हम देखें रोहित शर्मा ज्यादा से ज्यादा कैप्टनसी करते हैं, उन्होंने भी करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा ज्यादा से ज्यादा कैप्टनसी करते हैं। एज अ प्लेयर अब देखना पड़ेगा कैसे खेलते हैं, कोहली कैसे रन बनाता है, कैसे इनिंग्स को बिल्ड करता है, ये बात देखना पड़ेगा। तो और भी नया नया न्यूज आई है, जो इंडिया वर्सेस जो और एक मैच है हमारा, अगर बोले साउथ अफ्रीका के साथ, वो इंडिया ए का कुछ जो प्लेयर है उनका स्क्वाड भी घोषित किया गया है, उसके स्क्वाड भी मैं बोल देता हूँ, इस एक ही वीडियो में हो जाएगा। इंडिया का स्क्वाड है प्रियांक पंचल, कैप्टन पृथ्वी शॉ, अभिमन्यु ईश्वरन, हमारा बंगला का छेले, बंगला का जो छेले है अब कह ही सकते हैं, बंगला का प्लेयर है उन्होंने, तो देवदूत पडिकल है, सरफराज खान है, बाबा अपरजीत, इन्हें नया प्लेयर, इन सब नए प्लेयर को कॉन्टिन्यू वहां पे किया गया है। एक क्या है, एक अभिज्ञता होगी, अच्छा लगेगा उनको खेल के भी, एक इंस्पिरेशन भी उनको मिलेगी। उसके बाद राहुल चहर, सौरभ कुमार, नवदीप सैनी, उमरान मलिक, बहुत गति है, ईशान किशन, अर्जन नगर्स वाला लेफ्ट हैंडेड बोलर, इनका जो स्क्वाड घोषित किया है। इनके ऊपर और भी अपडेट आएगा, इनका जो शेड्यूल है कब कब खेल होगा इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा। तब तक के लिए आप ठीक से रहेगा, स्टे ट्यून, स्टे सेफ। और जो इंडिया के बाद और क्या क्या हो सकती है, ये टीम कैसा बिहेव करेगी, कौन कौन प्लेयर बढ़िया खेल सकते है, अगर न्यूजीलैंड का जो टीम है वो कब अनाउंस होगा, उसका जो बात है, मैं और एक वीडियो बनाया था जो पिछले वाले टेस्ट का स्क्वाड लेके, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, आप जरूर उसको भी चेक कर सकते हैं, रीशेड्यूल जो मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया था, ये भी आप देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो देखते हैं प्लीज लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए। प्लीज आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए, मैं आपका क्वेश्चन का सही से जवाब देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू।